नमस्ते भारत, गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें, स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं एडवोकेट विलास राउत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 25 सालों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में हम लोग सभी महापुरुषों की जयंती तथा पुण्यतिथि के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। आज हमने यहाँ पर विश्वंद्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके सामाजिक गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया था। इस कार्यक्रम के अंदर में हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सम्माननीय कमल सदुजा साहब, सेक्रेटरी नितिन देशमुख साहब तथा हमारे इस डीबे के भावी प्रेसिडेंट सम्माननीय रोशन बागड़े साहब यहाँ पधारे थे और उनके साथ में करीब 100-150 वकील लोग यहाँ उपस्थित थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के पीछे का हमारा एक मंशा ये है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके जो विचार है, इनके जो कार्य है, इनके कार्य समाज के हर तबके तक जाना चाहिए और ये सब कार्य को समाज के हर तबके तक ले जाने की जिम्मेदारी जो रहती है ये वकीलों की रहती है। जो भी आंदोलन हुए अभी तक के आजादी के अंदर में, वकीलों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज के दिन कई ऐसे लोग हैं, ओबीसी समाज के ऐसे लोग हैं जो महात्मा फुले को भूल चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम आज के दिन तभी उनके विचारों को हमने पूछना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जितने भी वकील लोग आए थे, इन सबको यहाँ आने के लिए उनको मैंने बुलाया था और इतना अच्छा हमने कार्यक्रम लिया है। सभी प्रकार के महापुरुषों के कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं और इस माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि महात्मा फुले और जितने भी प्रमुख अतिथि है, जितने प्रमुख महापुरुष है, इनके विचारों को हर जगह लेके जाना चाहिए। मैं गुणरत्न रामटेक एडवोकेट डीबीए नागपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महात्मा फुले जी, इनको मनपूर्वक भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए एक यही संदेश देना चाहूँगा कि महात्मा फुले जी ने जो कार्य किया है और जो किताबें लिखी है, वो किताबों के अध्ययन करके महात्मा फुले का कार्य आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज के सभी युवा वर्ग पे रहे और उनके कार्यों की सराहना करते हुए जो विलास राउत साहब ने उनको आदरांजलि का जो कार्यक्रम किया और सभी हमारे वक्तागणों को बोलने का जो उन्होंने चांस दिया, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए और फुले जी को आदरांजलि अर्पण करते हुए मैं उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। रामटेके, सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, श्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन करते। आज आम्ही इथे महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृती दिनानिमित्त त्यांचा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे। महात्मा फुले यांनी जे काही कार्य केले, त्यांनी जे शिक्षण दिलं आपल्याला, ते शिक्षण सगळ्या गोरगरिबांना, तळागाळातील लोकांना मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी ते झटले। आणि आता आपण बघतो की शिक्षण हे शिक्षणाचं व्यापारीकरण झालेलं आहे। आपल्याला असं पाहिजे की जे महात्मा फुले यांनी जे शिक्षण दिलेलं आहे तेच शिक्षण आपण समोर लागू केलं पाहिजे किंवा चालू ठेवलं पाहिजे। आणि जे सावित्रीबाई फुलेंनी, महात्मा फुलेंनी जे स्त्रियांसाठी झटले, ते अहोरात्र शेण माती अंगावर घेऊन त्यांनी जे त्रास सहन केला आणि आपल्यासाठी शिक्षणाचे दारे खुले केले, ते मला असं वाटतं की त्यांचे म्हणजे जे शिक्षण दिन म्हणून हा साजरा व्हायला पाहिजे जो 5 सप्टेंबर आहे, तो 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन न करता आपण 3 जानेवारी किंवा 11 एप्रिल वगैरे शिक्षक दिन म्हणून आपण साजरा करायला पाहिजे। आणि ॲडव्होकेट करणार अमर गॉड, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे 1B कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाद में यहाँ ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई है, उसमें हम सभी सम्मिलित हुए हुए हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब सभी यहाँ पर आके हमारे कार्यक्रम को और शोभा बढ़ाई गई है। जैसे ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ के लिए, मतलब सावित्रीबाई फुले के लिए अपने विचारों को और सबको इतना उनको पढ़ाया है, शिक्षा दी गई है उनको, और सारी लेडीज़ को उन्होंने ये हक दिया है कि वो अपना भविष्य और सब कुछ अपना, यानी मतलब सारी चीज़ें वो अपने अच्छे से फ्यूचर के लिए सोच सके।
इसलिए मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र मैं डॉक्टर एम डी विलाय, मुझे इस डीबीए के अंदर में हमारे एडवोकेट माजी जिला विष्णु जी विलास जी राउत, उन्होंने जब बुला के महामानव के विचारों के लिए मुझे जो दो शब्द बोलने का चांस किए, और पूरे भारत के अंदर में मैं एक नई ऐसी चाल देखा हूँ, एक नई चाल होती है जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने एक नए विचारों की चाल देते हमें जिसका बेनिफिट मिला, उसको पूरे भारत के अंदर फर्स्ट टाइम में इस न्यायाधीशों के साथ सबको स्वर्ण दर्शन दिए, ऐसे महान एडवोकेट विलास राउत जी को मैं सल्यूट करता हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले को भी। और इस चहल से ये पूरी डीबे की फर्स्ट फ्लोर की B18 ये वन बी की ये सभी वकील लोगों को जो चांद दिए स्वर्ण विलास राउत जी ने, इनको सत सत ग्रेट सलूट, सारे एडवोकेट को सलूट, यहाँ के सारे वाकई में महात्मा ज्योतिबा फुले जो नई विचारधारा किए उस नीचे विचारधारा को फॉलो करते पूरे भारत में देंगे, और इसको मीडिया को ये महान उच्च चैनल आप दिखा रहे तो ये बहुत महान काम कर रहे हैं आप सभी लोगों को, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर, कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।